माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाने वाली सिगाजी इंडस्ट्रीज की शेयर बाजार में जोरदार एंट्री हुई है। इस आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा 3.5 गुना हो गया है। सिगाजी इंडस्ट्रीज के शेयर की लिस्टिंग 252% ऊपर 575 रुपये पर हुई है, जबकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 163 रुपये था। कारोबार के दौरान सिगाजी इंडस्ट्रीज के शेयर ने 603 रुपये का हाई बनाया, जबकि शेयर की क्लोजिंग 558.50 रुपये पर हुई। सिगाजी इंडस्ट्रीज ने आईपीओ के जरिए 125 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हाल ही में हुई लिस्टिंग्स में सिगाजी ने निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा कराया है। ग्रे मार्केट में भी सिगाजी का शेयर 100% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। इस आधार पर पहले ही सिगाजी की धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी। सिगाजी की धमाकेदार लिस्टिंग के पीछे बड़ी वजह कम वैल्यूएशन को माना जा रहा है। लिस्टिंग गेन के मामले में सिगाजी ने टॉप किया है। अभी तक तानिया कंस्ट्रक्शन ने लिस्टिंग के दिन 264% का फायदा कराया था। पारस डिफेंस ने 171%, बर्गर किंग ने 130%, IRCTC ने 128% और हैप्पीएस्ट माइंड ने 123% का गेन कराया था। इसके अलावा तत्व चिंतन में भी 113% की लिस्टिंग गेन हुई थी। सिगाजी इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1989 में हुई थी। ये कंपनी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बनाती है, जिसका इस्तेमाल फार्मा, न्यूट्री और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जहां 50 ग्रेड के माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बनाए जाते हैं। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल गुजरात के दहेज और झगड़िया में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में CCS सोडियम का उत्पादन बढ़ाने पर किया जाएगा। सिगाजी इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट्स कुछ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ शेयरों को लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। सिगाजी इंडस्ट्रीज ने पॉलिसी बाजार की भी आज लिस्टिंग हुई। पॉलिसी बाजार का शेयर 17.35% प्रीमियम पर 1150 पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इशू प्राइस 980 रुपये था। कारोबार के दौरान पॉलिसी बाजार का शेयर 25% तक ऊपर चला गया था। पॉलिसी बाजार का ऑनलाइन इंश्योरेंस और क्रेडिट कारोबार में अच्छी खासी पकड़ है। देश में 93% ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज पॉलिसी बाजार के जरिए ही बेची जाती हैं। ऐसे में कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। बाजार के जानकारों का कहना है कि जिन निवेशकों ने छोटी अवधि के लिए पॉलिसी बाजार में पैसा लगाया था, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक इसमें बने रह सकते हैं।